नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको स्वामी विवेकानंद की जीवनी। आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो हम लोग मनाते हैं इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी परिचित होंगे स्वामी विवेकानंद जी से। ये हैं स्वामी विवेकानंद जी और इनका जो जन्म हुआ था आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को और इनकी जो डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 को इसकी हो गई थी। तो आइए इनके बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुई थी और इनकी डेथ 4 जुलाई 1902 को बेलूर में हुआ था। यह एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए थे। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त जो इनको बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे। युगांतकारी आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म को गतिशील तथा व्यवहारिक बनाया और सुदृढ़ सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिमी विज्ञान व भौतिकवाद को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ने का आग्रह किया। कलकत्ता के एक युगीन परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ चिंतन, भक्ति व तार्किकता, भौतिक एवं बौद्धिक श्रेष्ठता के साथ साथ संगीत की प्रतिभा का भी एक विलक्षण संयोग थे। भारत में स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जान लें, फिर हम लोग जानेंगे इनकी शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जीवन परिचय। विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता के आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। श्री विश्वनाथ दत्त के घर में उत्पन्न होने वाला उनका पुत्र नरेंद्र दत्त पाश्चात्य जगत को भारतीय तत्वज्ञान का संदेश सुनाने वाला महान विश्वगुरु बना। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता, जो वर्तमान में अब कोलकाता हो गया है, भारत में हुआ। रोमारोला ने नरेंद्र दत्त यानी कि जो भावी विवेकानंद थे के संबंध में ठीक कहा है, उनका बचपन और युवावस्था के बीच का काल यूरोप के पुनरुज्जीवन युग के किसी कलाकार राजपुत्र के जीवन प्रभात का स्मरण दिलाता है। बचपन से ही नरेंद्र में आध्यात्मिक पिपासा थी। सन 1884 में पिता के मृत्यु के पश्चात परिवार के भरण पोषण का भार भी उन्हीं के ऊपर पड़ा। स्वामी विवेकानंद गरीब परिवार के थे। नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। दुर्बल आर्थिक स्थिति में स्वयं भूखे रहकर अतिथियों के सत्कार की गौरव गाथा उनके जीवन का उज्ज्वल अध्याय है। नरेंद्र की प्रतिभा अपूर्व थी। उन्होंने बचपन में ही दर्शनों का अध्ययन कर लिया। ब्रह्म समाज में भी वे गए पर वहां उनकी जिज्ञासा शांत न हुई। प्रखर बुद्धि साधना में समाधान न पाकर नास्तिक हो चली थी। आइए अब हम लोग इनका जानेंगे शिक्षा, ठीक है, कि शिक्षा इनका किस तरह से हुई और कहां पर हुई। तो देखिए, 1879 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कलकत्ता में प्रवेश परीक्षा पास की। अपने शिक्षा काल में सर्वाधिक लोकप्रिय और एक जिज्ञासु छात्र थे, किंतु हर्बर्ट स्पेंसर के नास्तिकवाद का उन पर पूरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ब्रह्म समाज में शामिल हुए, जो हिंदू धर्म में सुधार लाने लगा था उसे आधुनिक बनाने का प्रयास भी ये कर रहे थे। तो ये इनकी शिक्षा थी। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं देश के पुनर्निर्माण की ओर। यहीं पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ये 1893 में अपने भाषण से किस तरह से सभी लोगों का मन को मोहित कर लिए थे। चलिए बढ़ते हैं। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं को हिमालय के चिंतन रूपी आनंद सागर में डुबाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी ही वह इसे त्याग कर भारत की कारुणिक निर्धनता से साक्षात्कार करने और देश के पुनर्निर्माण के लिए समुचे भारत में भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान उन्हें कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ा। इन 6 वर्षों के भ्रमण काल में वह राजाओं और दलितों दोनों के अतिथि रहे। उनकी यह महान यात्रा कन्याकुमारी में समाप्त हुई, जहाँ ध्यानमग्न विवेकानंद को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की ओर रुझान वाले नए भारतीय वैराग्यों और सभी आत्माओं, विशेषकर जनसाधारण की सुप्त दिव्यता के जागरण से ही इन मातृप्त देश के प्राणों का संचार किया जा सकता है। भारत के पुनर्निर्माण के प्रति उनके लगाव ने ही उन्हें अंततः 1893 में शिकागो धर्म संसद में जाने के लिए प्रेरित किया, जहां वह बिना आमंत्रण के गए थे। परिषद में उनके प्रवेश की अनुमति मिलनी ही कठिन हो गई थी। उनको समय ना मिले
इसका भरपूर प्रयत्न भी किया गया था। भला पराधीन भारत क्या संदेश देगा? यूरोपीय वर्ग को तो भारत के नाम से ही घृणा थी। एक अमेरिकन प्रोफेसर के उद्योग से किसी प्रकार समय मिला और 11 सितंबर सन 1893 के उस दिन उनके अलौकिक तत्वज्ञान ने पाश्चात्य जगत को चौंका दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे आगे क्या हुआ। देखिए, दिन था 11 सितंबर 1893, ठीक है, कि उस दिन उनके अलौकिक तत्वज्ञान ने पाश्चात्य जगत को चौंका दिया था। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि वस्तुतः भारत ही जगत गुरु था और ये भारत ही जगत गुरु रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने वहाँ भारत और हिंदू धर्म की भव्यता स्थापित करके जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी भाई बहनों और भाइयों के संबोधन के साथ अपने भाषण का शुरुआत करते हुए 7,000 प्रतिनिधियों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। विवेकानंद ने वहाँ एकत्र लोगों को सभी मानवों की अनिवार्य दिव्यता के प्राचीन वेदांतिक संदेश और सभी धर्मों में निहित एकता से परिचय कराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सन 1896 तक वे अमेरिका में रहे उन्हीं का व्यक्तित्व था जिसने भारत एवं हिंदू धर्म के गौरव को प्रथम बार विदेशों में जागृत किया। धर्म एवं तत्वज्ञान के समान भारतीय स्वतंत्रता का प्रेरणा का भी उन्होंने नेतृत्व किया। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मैं कोई तत्ववेता नहीं हूँ और ना ही कोई संत हूँ या दार्शनिक ही भी मैं नहीं हूँ। मैं तो गरीब हूँ और गरीबों का अनन्य भक्त हूँ। तो मैं तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूँगा जिनका हृदय गरीबों के लिए तड़पता हो। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इनकी डेथ कैसी हुई, कब हुई, कहाँ हुई। उसके पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा ग्रंथों की रचना, इन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की थी। देखिए, योग, राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके विवेकानंद ने युवा जगत को एक नई राह दिखाई है जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। कन्याकुमारी में निर्मित उनका स्मारक आज भी उनकी महानता की कहानी कह रहा है। उनकी मृत्यु, देखिए, उनके ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्वभर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल आयुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए। यानी कि जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि एक तो हम हैं लेकिन हमारे पास एक और विवेकानंद को चाहिए, विवेकानंद यहाँ पर चाहिए, यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है, कि ये समझ सके कि अभी तक जो मैंने किया है वो कौन समझ सकेगा। यदि एक विवेकानंद और नहीं आएगा तो ये उनका कहने का मतलब था कि यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। प्रदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया। उन्हें प्रॉब्लम थी, जो बीमारी थी उन्हें दमा और शर्करा के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। उन्होंने कहा भी था, ये बीमारियां मुझे 40 वर्ष के आयु भी पार नहीं करने देंगी। और 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में, जिनका निर्माण उन्होंने खुद करवाया था, बेलूर में रामकृष्ण मठ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 अधिक केंद्रों की स्थापना भी किया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।